टिकट देना टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरों पर है, और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबके सामने बात है राजसमंदू मेरो नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेरू सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली, सीपी जोशी जी को हुक्म आयो जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते। अगर 35 साल हूं ईमानदार हूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ चूरू गगड़ी में जाओ उप तक नहीं। और भाइयों 13 टिकटा बदली है अब तक, 22 टिकटा की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी ने की टिकट बदल गई क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग ही जीता बीजेपी का। आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल गई क्योंकि 8 मुंह 2 लोग ही जीता। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीता जी में एक तो हरलाल बैठो ने भी हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में एक दिल दो जान के रूप में जीत। इस मुगाल तो करना चाहे मैं तो आपने इतो ही कह सकू का पिछला कई बरसा मेरे को मैंने आप जानो सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी मैं और राम सिंह जी वांगे घर पहुंचा कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके यो दायो है तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो ना कहो पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगाती। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो पराक्रम बैठो को कठे मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाती देखी ना पाती देखी जान लड़ा दी भी वास्ते। और मेरी आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वह आप मुशा कोई मिनख नहीं होगा जगह मेरे घर कदे नहीं आया होगा या मैं आपके इनको नहीं आया होगा थाना थारा भगवान की सोगन थे मेरे घर में आया हो या मैं थारकन गया हूं। आज सुबह 5 बजे हूं लेके रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले हो तो गुनाहगार हूं आपको और फिर भी कोई गुनाह मेरे मुंह है तो बस सजा दे दीजिए। पर वो सवाल मोदी जी को है देश को सवाल है इमें कोई चूक नहीं हो जावे। डबल इंजन की सरकार बनेड़ी है भाइयों और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार अभी पुना पौने 5 साल चलेगी। आपनो नहर को मुद्दो आपनो प्यासो आपनो जिलो यमुना को पानी को समझौतो इस समझौता के अनुसार जे आपने रगा में खून दौड़े में पानी दौड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। आपको मेरी प्रार्थना है मैं कोई लंबी बात को नहीं करूं पर जब फूल छाप कांग्रेस का दिन लदे है याद कर लो भाई सब भाइयों डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ अभी ए बैठे है वैद्य जी ए पूरी बात ए बता देता जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो के बात हुई बहादुर सिंह जी कालवा साला खड़ा हुआ तो के बात हुई अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा जित के बात हुई। आज ए फूल चाप कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहा है जित कह रहा है और कई बार तो कह रहा है कि मेरे लिए आजकल मांगी फोटो कौन छुपा है भाई राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उस गाने दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है अब 2 हो गया अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया थारा दिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है ये वास्ते है मेरा तो आपको इतना ही निवेदन है
और अभी आप रास्ता में आया हो, राम मंदिर जी का, राम मंदिर बनना का पोस्टर लग रहा है, राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहला मैं एक स्टेटस देखो, सब लोग माने के मोदी का परिवार, वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे, मोदी का परिवार की बात क्या नाला, परिवार जब जंग में उतरे, लड़ाई में उतरे, वे भाग जावे, 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे, फैसलो थार कने भाइयों, अगर कोई गुना है तो पल्ला बांध्या, नहीं तो चूक मत कर जाया। और बहुत कुछ कहना है मुझे, एक लंबा सफर मेरे पिता का राजनीति का रहा है, सालों साल की मेहनत रही, सालों साल का आप लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। जिस परिस्थितियों में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आसान नहीं था मेरे लिए फैसला करना, पर यह ताकत थी मेरी आप लोगों की। हीरो से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता बैठे हो, यह आप मेरे ताकत थी, इस ताकत के कारण मैं ये फैसला ले पाया। काल की मीटिंग देखी मैं, खेलों की मीटिंग सुनी होगी, एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया, सारा नेता, मैं 20 दिन के मुझको टाइम ही कौन बीते, 20 दिन पहले तो हूं पार्टी में ही थो मैं, पर उनको देख, इसी मशीन है, वॉशिंग की मशीन, जो मैं गुस्सा है वो दुलजा है, जो गलती बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए वो। 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था, और जो शब्द, जो शब्दावली, जो विचार रखे गए, मन ने कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनों भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवे है, काका की तो मेरे समझ में आवे है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी, कईयां तो यूं लागे थे कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो नहीं बात कहनी है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था अपन, वे पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन है सारो बेरो है, मैं भ्रमित को नहीं हुआ, थाने जवाब बाद में दे लेंगा, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत, और उन लोगों का मुझे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना, मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोगां भी कोनी, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू कोनी गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है, किसान और किसानी अपने आत्मसम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी हो चुका देती है हमेशा। कौन से मुद्दे के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, मारी कोनी तो जरूर रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है मेरा छोटा भाई, बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, गलो साहब किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पुनिया जी, बुढ़ानिया साहब,
मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे ये पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी ना विकास आप हो जैसी। 72-74 सौ करोड़ क्लेम लेके आए हम, एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीफ का, 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े, कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो? ओ काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था, तो पोते कोनी स्टैक होवे के है या क्रॉप कटिंग कदे देखी नहीं होती के? ओ किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। ए पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है? वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कैन किन पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो काल से, नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल था मैं जैम भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना निया तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है कुछ और कोनी। यमुना लिंग का पानी ले आएंगे पता ही कोनी। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को क्योंकि यमुना लिंग का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला, हम तो आपको इसी मान जाएंगे। बता दो मैं तक ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर इतने तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कमिश्नर लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते हो कि आप जातिवाद की बात नहीं करते, आपके परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया तो लोग एक एक बच्चा जानता है इस बात को। आगलो नाम ना बताइयो, गैलडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा। ये सोच आपकी नहीं, नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेता जी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी हैं सब बच्चा बच्चा जानता है, उनसे लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा दो हजार 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा कोई छुपावा हमसे क्या, और आपको चार छाती पे बोर्ड दो हाथी पे कुंदियों मारो यो बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हदी कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो, थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वाकिफ है। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी, मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेली रोपी है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देंगे मेरे पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा, थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं, और थे समाज की बात कर रहा हो, क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो। मेरी मां के बारे में कहें,
कि चुनाव जीत के अजय राखी बांधी तिलक लगायो। काका साहब मैं तो मेरी मां ने माइक दू को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं ठीक रहूंगा। दो हजार उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो उस चुनाव के बाद की दास्तां तो सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया। विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था, आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास के ऊपर आपको दिया गया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो, किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंद को बीच में खड़ा हुआ जयचंद जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं। मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं, आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस 36 कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? चार लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की, ना मुंह छुपा के जिए ना कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मसाले जला कर जिए। थारला छोरे मसाल जला दी है, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मारो साथ दोगा। मैं दो लाइना बोलूंगा थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लक्ष्मण मांगे, सामंतवाद से, काका से।